हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू बाय एक माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, और वो भी अपने सर यानी कि एक्टिव राहुल सर के साथ में। कल जुड़ा था इंस्टाग्राम पर, उनका भी एक छोटा सा क्लिप लाया हूं, और जो उन्होंने मोटिवेट किया, जो उन्होंने सुझाव दिया, जो उन्होंने समझाया, उस चीज़ को आज आप सभी के बीच में रखने वाला हूं। चैनल को अपने ग्रो कैसे कर सकते हैं, चैनल को अपने आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपना WT और प्लस आपका फ्रेंड कैसे बढ़ेगा, बहुत आसान तरीके से बताया, एक उदाहरण दिया। उस उदाहरण को मैं आज आप सभी के बीच में समझाने वाला हूँ, रखने वाला हूँ, जो कल राहुल सर ने मुझे दिया, और साथ में जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ एक्टिव राहुल सर का, कि इतने अच्छे से बात करते हैं और इतने अच्छे से बात किया, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जिसके लिए आप जितने लोग हैं, यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए एक्टिव राहुल सर के चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। उनकी वीडियो को देख करके बहुत आपको मोटिवेट मिलेगा, यानी जानकारी मिलेगी, न्यू अपडेट मिलेंगे, अच्छा तरीके से समझाने का तरीका उनका अच्छा है, और आगे बढ़ने का रास्ता भी क्लियर हो सकता है आप सभी को। कल मुझे बहुत मोटिवेट होना वाला, बहुत अच्छा लगा सर से लाइव में जुड़ करके। इंस्टाग्राम पर लाइव थे, लाइव में हुई बात, तो आज मैं आप सभी को वही चीज़ बताने वाला हूँ। हम सभी जल्दबाजी के चक्कर में अपने चैनल पर क्या कर रहे हैं, मिक्स कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। कल सर ने बोला कि अगर कोई भी कंटेंट पर काम करते हैं, एक कंटेंट पर काम करिए, परमानेंटली काम करिए, उस पर ध्यान दीजिए कि मुझे किस कंटेंट पर काम करना है, पहले आप चुनिए, उसके बाद उस कंटेंट पर काम करिए। 100% व्यूज आएगा, चैनल ग्रो करेगा, और आपको जब वीडियो आपका वायरल होगा तो आपको WT भी मिलेगा और सब्सक्राइबर भी मिलेंगे। दोनों चीज़ मिल रहे हैं मुझे एक साथ में, WT और सब्सक्राइबर दोनों चीज़ मिलेंगे जब मेरा वीडियो वायरल होता है तब। लेकिन वीडियो वायरल कब होगा, जब यूट्यूब मेरे वीडियो को आगे तक भेजेगा, काफ़ी लोगों तक, जैसे 10 लोगों तक भेजा, फिर वो 20 लोगों तक भेजेगा, 50 लोगों तक भेजेगा, 100 लोगों तक भेजेगा, जब मेरे लोग वीडियो को देखेंगे। जो आपके एक्टिव सब्सक्राइबर को छोड़ करके जो बाहर के सब्सक्राइबर हैं, जो बाहर के लोग हैं, यानी कि यूट्यूब को देखने वाले हैं, जब वो आपके वीडियो को देखेंगे तब आपका विकास होना संभव है। उसके लिए करना क्या है कि एक ही कंटेंट पर काम करना है, रेगुलर काम करना है, परमानेंट काम करना है, मेहनत के साथ काम करना है, दिल से काम करना है, और बिल्कुल लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है, उस पर काम भी करना है। उसके बाद आपको आता है चीज़ कहाँ पर, आपको थंबनेल और टाइटल पर काम करना होगा। थंबनेल ऐसे लगाना है कि लोग सोचने पर, उसको टच करने पर मजबूर हो जाएँ। टाइटल ऐसे लिखना है कि लोग उस पर सोचें और आपके टाइटल को देख करके उस पर लोग सर्च करें और आपके वीडियो पर जाएँ। 100% हम ग्रो कर सकते हैं अपने चैनल को, खुद ग्रो कर सकते हैं। हम आप क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी WT पूरा हो, मेरे फ्रेंड पूरे हो जाए, चैनल मोनोटाइज हो जाए। हम सभी यहीं पर गलती कर देते हैं, हम सभी यहीं पर कर रहे हैं गलती कि हम दूसरे का कंटेंट उठा करके अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर डाल देते हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, अपने ही एक कंटेंट पर रेगुलर काम करना है। जो कि सर ने कल मुझे बताया कि जैसे 10 हैंडपंप गड़े हैं, एक हैंडपंप को 10 मिनट चलाने पर पानी निकलता है, तो 10 मिनट उसको कंटिन्यू मुझे चलाना है। 10 मिनट जब चलाएंगे तो एक हैंडपंप से जितना चाहेंगे उतना पानी निकल जाएगा, लेकिन अगर दो मिनट करके हम सारे हैंडपंप को चलाएंगे तो किसी भी हैंडपंप से पानी नहीं निकलेगा। वही है सेम चीज़ मिक्स कंटेंट का, कि अगर मैं तरीके अलग अनेकों प्रकार के वीडियो डालते रहेंगे तो मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आने हैं, वीडियो ग्रो नहीं करना है, चैनल ग्रो नहीं करेगा, और मैं जहाँ के तहाँ खड़ा रह पाऊँगा। अगर मुझे चैनल ग्रो करना है तो मुझे करना क्या है कि एक ही नल को पानी चलाना है, जब तक नल में पानी निकल ना जाए तब तक उसी नल को चलाते रहना है। जिस नल को हम चला रहे हैं उसी वीडियो पर, उसी कंटेंट पर वीडियो बनाते रहना जब तक कि उस पर व्यूज नहीं आता। अगर व्यूज नहीं आता बहुत दिनों तक, तब फिर हम देखते हैं कि हाँ चलिए इसका कंटेंट चेंज करें, दूसरा कंटेंट पर वीडियो बनाएं, उस पर कंटेंट पर व्यूज बना करके मैं आगे बढ़ने का प्रयास करें। तब जब एक से मैं परेशान हो जाऊं, 2 महीने 4 महीने, और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अपने वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद आप अपने YT स्टूडियो में जा करके थंबनेल को आप चेंज कर सकते हैं, टाइटल को चेंज करते हैं, और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये है मेरा डिस्प्ले, डिस्प्ले पर मैं जाता हूँ YT स्टूडियो पर, YT स्टूडियो देखिए मेरा खुल रहा है, यहाँ पर मुझे जाना है कंटेंट, आप यहाँ पर देख जाना है आपको कंटेंट पर,
अपने, ये मेरा चैनल है, दूसरा चैनल है, यहाँ पर मैं गया अपने कंटेंट पर। अब मुझे इस वीडियो का, जिस वीडियो को थंबनेल चेंज करना है, उस वीडियो के साइड राइट साइड में देखिए तीन बिंदी बनी हुई, तीन बिंदी को टच करना है मुझे। तीन बिंदी को टच करते ही आ जाएगा एडिट वीडियो। एडिट वीडियो देखिए मेरा खुल चुका है। थंबनेल के ऊपर देखिए पेन बनी है, पेन पर मैं टच करूँगा और उस पर लिखा हुआ है अपलोड वीडियो, अपलोड थंबनेल। नीचे देखिए लिखा है अपलोड थंबनेल। अगर इस वीडियो को, थंबनेल को मैं लगाता हूँ तो नहीं लगेगा। यहाँ से जाना होगा मुझे गैलरी पर, गैलरी से मैं दूसरा थंबनेल जो बना करके रखा हूँ, जो थंबनेल बना करके मैं रखा हूँ, उस थंबनेल को चुनना है, उस थंबनेल को चुनना है, उसे जा करके फिर टच करना है, उस थंबनेल को वहाँ ले जा कर एक्टिव करना है। वो कैसे होगा देखिए, मैं एक फ़ोटो ले लिया अपनी बेटी का ही और यहाँ पर इसको मैंने थंबनेल पर लगा दिया। अब टाइटल में मैं लिखता हूँ, टाइटल को आगे बढ़ाता हूँ। टाइटल में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिस प्रकार का आप वीडियो बनाए हैं उसी के आधार पर आपको टाइटल लिखना है। टाइटल पर भी जा करके आप टाइटल में देखिए मैंने डाल दिया हैशटैग वायरल वीडियो या जो भी है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। मैं इसी को कॉपी करूँगा, देखिए टाइटल में डाल रहा हूँ। टाइटल डालने के बाद मैं इसी को कॉपी करूँगा और इसी को ले जा करके अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल करके आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए डिस्क्रिप्शन मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पर जो मैंने टाइटल को कॉपी किया था इसी पर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप देखिए, गौर से देखिएगा, इस पर मैं हैशटैग लगाऊंगा और इस पर मैं कुछ वर्ड और लिखूंगा, कुछ वर्ड यानी कीवर्ड लिखूंगा, कीवर्ड जिससे कि आप मेरा चैनल को सर्च में आए, लोग सर्च क्या कर रहे हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पर कीवर्ड में थोड़ा सा डालूंगा और आप सभी को सिर्फ दिखाने के लिए। आप वीडियो के ही आधार पर इसको डालना है, हर वीडियो में नहीं डालना है, क्योंकि मैं इसको ऐसे नॉर्मली तरीके से डाल रहा हूँ। आप अपने वीडियो के आधार पर, टाइटल के आधार पर, वीडियो के आधार पर आप अपने कीवर्ड को डालिएगा, ऐसे मत डाल दीजिएगा कुछ भी। आपने किराकेश भाई के, मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने ये डाला था तो मैं भी डाल दूँ। आप मेरे साइड में देख रहे हैं, यह सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आपको सिंपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे डालना है, कीवर्ड कैसे डालना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखना है वो भी बता दे रहा हूँ, टैग में कैसे लिखना है वो भी बता दे रहा हूँ। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, हैशटैग लगा के दिखाऊंगा भी और टैग बगैर हैशटैग के भी मैं लगाऊंगा कीवर्ड। कीवर्ड में हैशटैग नहीं लगाया जाता है, कीवर्ड आप नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर हैशटैग लगाएंगे वहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना है। बहुत सारी गलती लोग करते हैं कि हैशटैग लगाने के बाद उस पर स्पेस दे देते हैं, स्पेस नहीं देना है। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हैशटैग नहीं लगाएंगे वहाँ पर स्पेस देना है और हैशटैग लगाते ही स्पेस ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आप देखिए मुझे टैग कहाँ लगाना है, हैशटैग कहाँ लगाना है और लिखना क्या है, आप इस पर बहुत ध्यान दीजिए। लोग सिर्फ ऐसे ही डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी डालने से काम नहीं बनने वाला है। आपके वीडियो के आधार पर ही डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है और उसी के आधार पर आप टैग लगाया जाता है। टैग भी उसी के आधार पर लगाना है जिस आधार पर आपका वीडियो है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा और आप इस पर काम करेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल एक्टिव राहुल सर ने बहुत अच्छे से समझाया और उनकी बातों से मैं 100% सहमत था, क्योंकि जो उन्होंने बताया वो करके मैं देख रहा हूँ, वो करने के बाद मेरे चैनल पर ग्रो हो रहा है, मेरा चैनल अपने आप आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ऊपर मैंने सेव का बटन है, सेव पर मैंने टच किया, ये मेरा देखिए थंबनेल चेंज हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, न्यू है तो चैनल पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके और आप सभी को जानकारी मिलती रहे। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दिया करें, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप सभी तक लेकर आऊँगा और आप सभी को पूरी जानकारी देने का मैं वादा करता हूँ। लेकिन जब आप मेरे साथ रहेंगे तब, जब अपना आप सुझाव देंगे मुझे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप सभी तक लेकर के आऊंगा, आप सभी को सुझाव दूंगा और आप सभी भी ग्रो कर सकते हैं अपने चैनल को, यह मेरा वादा है। सिर्फ प्रयास करना है, हिम्मत नहीं हारना है, हारिए नहीं मत, बढ़ते रहिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जो भी मेरे भाई मेरी बहन मेरे वीडियो को देखा, अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने जानने वाले को तक शेयर करिएगा, आप अपने जानने वाले तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।